हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीरजा। हम सबके लिए पैसों की बचत करना बेहद ज़रूरी होता है, और ये बचत कैसे होगी क्योंकि हमारी इनकम तो फिक्स होती है, लेकिन ये बचत करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसा हम सब ने समय देखा कोरोना महामारी के संकट का, तो सभी का काम एकदम बंद हो गया था, और जो हमने बचत की थी उसी से हमारा आगे का खर्च चला। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भविष्य के लिए पैसों की बचत करें, लेकिन ये संभव नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे खर्चे हमारे सामने आते जाते हैं, परिवार के सदस्यों के और हमारे खुद के, कि हम बचत न कर पाने में अक्षम हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम अगले महीने बचत करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि बचत नहीं हो पाती है, और इनकम भी हमारी फिक्स है और हमें इसी इनकम से अपनी बचत करनी है। तो लेकिन हमें बचत करना बहुत ज़रूरी है, और इस बारे में हमें सोचना भी पड़ेगा कि हमें बचत करनी है, क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के काम, कॉलेज वगैरह की फ़ीस, आगे शादी या ऐसा कोई फंक्शन या कुछ ऐसा काम आ सकता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो आ गया तो उसमें लंबा खर्च हो सकता है। तो कुछ भी हमको पता नहीं होता है, और ये हमारी सेविंग ही हमें सुरक्षित रखती है। तो हम पैसों की बचत कैसे करें, इसी बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो पैसों की बचत हमें हमारी इनकम से ही करनी है। तो वो ऐसे हम कर सकते हैं कि जैसे कि अपने घर में बिजली के बिल में हम कटौती करें। पहला वो, क्योंकि कई जगह लाइट्स और पंखे की जब ज़रूरत नहीं होती है फिर भी वो चालू रहते हैं। तो हम अपने घर में एक ऐसी आदत सभी लोग डालें कि जब हमें ज़रूरत नहीं है तो लाइट्स और पंखे घर के बंद कर दिए जाएं, और हम आगे चल के देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी बचत हमारे लिए होती है, क्योंकि एक अच्छा खासा बिल हमारे लिए हर महीने तैयार हो जाता है जिसे कि हम जा कर के जमा करते हैं। और जब हम बिजली के बिल में अपने कमी लाएंगे तो एक आप देखेंगे कि हर महीने जब ये बिजली का बिल कम आएगा तो हमारे लिए सेविंग ही कहलाएगी। दूसरा पॉइंट है कि हमें एलोपैथी में बहुत महंगा ट्रीटमेंट मिलता है, तो हम पहली बात ये कोशिश करें कि बीमार कम पड़े, ऐसा अपना लाइफ स्टाइल बनाएं। तो जैसे कि अभी कोरोना महामारी का संकट है, तो सभी लोगों को बताया जा रहा है कि आप गर्म पानी पिएं, सुबह उठें, योग करें। तो इसी तरह से हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें ताकि हम बीमार कम पड़ें। फिर भी इंसान बीमार होता है, और यदि हमको कोई तकलीफ आ जाती है तो जब तकलीफ कम है तभी हम ट्रीटमेंट लें, और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट सस्ता होता है तो पहले हम उसमें जाएँ। जब हमें आराम नहीं लगता है तो हम एलोपैथी में जाएं। तो एक तो हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें ताकि हम बीमार ना हो, तो एक जो बड़ा सा खर्च हमारा मेडिकल में जाता है वो बचेगा। तीसरा पॉइंट है कि एक रुपया लेने का चलन जो अब शुरू कर दिया गया है कि एक रुपये हमें वापस ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। किसी भी दुकान में जाओ तो हमें टॉफियां थमा देगा कि लीजिए आपके 4 रुपए बचे थे, आप 4 टॉफी ले लो। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी बंद नहीं है। तो हम अपने 1 रुपए वापस लें, अदरवाइज हम अपने पास चेंज रखें ताकि हम सामने वाले को दे सकें, या कोई हमारे आसपास की दुकान है जहाँ से हम हमेशा सामान लेते हैं तो वहाँ पर हम अपने पैसों को जमा रखें कि भाई जब हम कल लेने आएंगे तब आप ये पैसे उसमें से कट कर लेना। लेकिन बिना ज़रूरत के टॉफ़ी वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये 1-2 रुपए हम रोज़ अपने कहीं ना कहीं पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि एक अगर हम हर महीने देखें तो एक लंबा अमाउंट हो जाता है। तो इस तरह से हम 1 या 2 रुपए अपने नहीं छोड़ने हैं, हर जगह लेने हैं और देने भी हैं। तो ये
इसे आप अपने उसमें सिस्टम में रखिए कि हमें 1 रुपए लेने भी हैं और किसी को वापस भी करने हैं। ये 1 या 2 रुपए हमारे लिए एक धीरे धीरे आगे चल कर की एक बड़ी इनकम जनरेट करता है। चौथा पॉइंट है कि एक सेल, जब कभी भी हमें सेल लगी हुई है ऐसा पता चलता है तो हम अंदर से खुश हो जाते हैं कि वाह सेल लगी है, हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उस सामान को परचेस करते हैं कि सेल है, ये हमें सस्ता मिल रहा है और आगे चल के ये हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए उस वक्त जिस सामान की हमको ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसे परचेस कर लेते हैं, तो ये एक गलत है, हमको ये नहीं करना है। जब हमें सामान की ज़रूरत हो हम तभी सामान लें, क्योंकि सेल आए दिन लगी रहती हैं, कभी हमें ऑनलाइन शॉपिंग में सेल मिलती हैं, कभी हमारे आसपास के मार्केट में सेल लगी हुई मिल जाती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और सेल के अलावा जब हम कभी सामान लेने जाते हैं तो अपनी लिस्ट बना करके जाएं और लिस्ट जो हमारी लिस्ट है उससे बाहर का सामान हमें नहीं लेना है, ये तय करके जाएं। और एक ऐसा होता है कि जब हम किसी दुकान में मॉल में जाते हैं शॉपिंग के लिए तो कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत आकर्षित करते हैं, वो छोटा सा है उसका प्राइस भी कम है और वो हमें बहुत आकर्षित कर रहा है और लगता है कि यार अरे इसका तो प्राइस भी कम है और ये कितना अच्छा लग रहा है इसे हम ले लेते हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें इसे नहीं लेना है, फिर भी हम उसे ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, तो ये भी गलत है। हम एक बार रुकें और सोचें कि क्या हमें इस सामान की ज़रूरत अभी है या नहीं, अगर नहीं है तो उस सामान को आप ना लें। इस तरह से हम कुछ रूल्स अपनी ज़िंदगी में बचत के लिए यदि फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि काफ़ी कुछ इनकम हम हर महीने बचा पाएंगे। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।